प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। केसो कह कबीर से पूछे बाता भी नहीं, गरीब दास क्यों उतरे ऐसे मुल्क मलीने। अब केसो रूप में केसो कहता है परमेश्वर कबीर जी से कि हे परमेश्वर, इसे गंदे लोक में क्यों आए आप इनका भला चाहो और ये आपका लठ मारे, डले मारे, गुंडा कहें, आपको मारना चाहे, इसे गंदे मलिन लोक में क्यों उतरे आए तुम, इसे सुंदर लोक न छोड़ के सतलोक ने। खान पान की इच्छ जीत नहीं अधर विमाने, गरीब दास यो लोक जीवे छाड़ा मुल्क अमाने। सिकल बिकल सब इस लोक में पाप पुण्य व्यवहार, गरीब दास के सो कहे कैसे रहने तुम्हारे। इसमें रह क्यों कर रहे से गंदे लोक में परमात्मा आप है। नहीं अधर सर्वरता हां नहीं अधर कोई बाग, गरीब दास के सो कहे क्यों नहीं देते त्याग। छोड़ दो इसने, चलो चलेंगे अपने सतलोक में। नहीं फुहारे गगन में नहीं मानसी गंग, गरीब दास जग देख कर हमरा चितमन भंग। नहीं नगर है नूर के नहीं बगर तसीर, गरीब दास के सो कहे तुम क्यों रहो कबीर। धन कबीर कुर्बान जा ऐसी रहन तुम्हार, गरीब दास के सो कहे छोड़ गंद संसार। के छोड़ इस गंदे संसार ने, चलो वहां चलेंगे। धन कबीर कुर्बान जा पल पल चरण जुहार, गरीब दास ते क्यों तजे वह हीरे लाल पहाड़। या पौमी है छार की या मृत प्रोसी पिंड, गरीब दास के सो कहे चरण धरे सिर दंडे। कहते इस पृथ्वी पर तो पा रखे तो भी पाप लगते हैं, इतने जीव मरे एक कदम में मनुष्य एक। कहते हैं पृथ्वी ऊपर पग जो धारा है करोड़ जीव एक दिन में मारे। परमात्मा कबीर जी भी समझा रहे थे उसको, धर्मदास जी को। तो ऐसे गंदे लोक में तुम पुनों की इच्छा करते हो या पैर टेकते पाप हो, क्योंकि काल आपको पाप और पुण्य में बांध के यहाँ रखता है। और कबीर जी के पास वो मंत्र है सार नाम, जो दास आपको देगा वो आपके पापों का नाश कर देगा, फूंक देगा, उनको नष्ट कर देगा, तब हम स्वच्छ होकर चलेंगे। धन कबीर कुर्बान जा पल पल चरण जुहार, ये पौमी है छार की मृद पड़ोसी पिंड, गरीब दास के सो कह है या चरण धरे सिर दंड। सुन कबीर इस धरनी पर तुम ना धरियो पाव, गरीब दास बॉडी बहुत यहां रहत सतभाव। अब क्या बता रहे हैं, यानी केसो के माध्यम से प्रश्न कर रहे हैं और वहां की व्यवस्था बता रहे हैं। इसे गंदे लोक में आप क्यों रह रहे हो, आपका तो वहां सतलोक है, वहां इसे ठाठ हैं, दूधों की नदी चलती हैं, सुंदर अमृत आहार वहां पर है, आपकी तागे यहाँ पर, चलो अपने उस लोक में। यानी वहां उपस्थित जनों को समझा रहे हैं कि ये छोटा आदमी नहीं है जिसको तुम एक जुलाहा मान रहे हो। और पुण्यात्मा उस समय और जो व्यक्ति इतना धन लेकर आया है केशव और वो उसको सराह रहा है, तो आम व्यक्ति प्रभावित होता है कि भाई सचमुच कोई ना कोई शक्ति इसमें है। तो उस गोष्ठी का आधार ये था परमात्मा का कि ये मेरी प्यारी आत्मा मुझे ऐसे ही पहचान ले और मेरे से उपदेश ले ले और इनको मैं ऐसा मंत्र दे दूं, इनके पुण्य बढ़ जाएं। और ऐसा ही हुआ। अब उन्होंने सोचा था तो इनको भगा दूं कबीर जी को, वहां लाखों व्यक्तियों ने परमात्मा से उपदेश लिया करबद्ध होकर उस भंडारे के बाद। बनारस में काशी में तो लाइन लगी लोगों की, रोज नाम लेने वाले की, और परमात्मा लाखों की संख्या में प्रभावित होकर कबीर जी से उपदेश लिया। अब कबीर परमेश्वर बोले मैं किस लिए आया हूं, सुन ले भाई मेरी बात। अब वो दोनों की वार्ता से उपस्थित जनों को वास्तविकता बताना चाहते थे परमात्मा।
सुन कबीर अब बंदना, सुन के सब अब बंदना, कह कबीर संदेश गरीबदा सर्वलोक में है अमरा परवेश। अब परमात्मा कहते हैं सुन ले के सब, पूरे विश्व पूरे सभी ब्रह्मंडों में मेरा ही हुक्म चलता है। हम अमान अवगत पुरुष और चंबक जो चमक चुंबक जो चमकारे, गरीबदास लोहा फिरे हमरे अधर अधार, लोहे रूपी देह है ये चुंबक रूपी प्राण, गरीबदास दोहों से बगल शब्द अतीत अमान। जब हम खेचे प्राण को दम दम मिले दरिया, वे गरीबदास पिंडा पड़े सुन के सो मिल श्वास मिल जावे। सुन हमारा रूप है हम है सुन से न्यार, गरीबदास प्राण को हम ही जो हनहार। अब क्या बताते हैं परमात्मा, बता रहे हैं कि हड चाम की देह में और अमृत दूध सर्वंत गरीबदास इस घट पिंड में ऐसे मिले भगवंत। थंदू दी को चीर के जय कोई खुद जय कोई देखे दूध, गरीबदास उस पिंड में हार्ड चाम और गूद। अब क्या बता रहे हैं परमेश्वर, केशव का उत्तर दे रहे हैं कि तू इनको निकम्मे आदमी मान रहा है यहाँ ने, पर मैं नहीं मान रहा क्योंकि ये मेरी आत्मा है और इनमें परमात्मा प्रवेश करूंगा। कैसे आए, कैसे होगी भक्ति प्रवेश, कि जैसे महस मही जब होत है, जैसे भैंस नए दूध होती है गर्भवती होती है फिर वो बच्चा देती है तो कितना दूध हो जाता है, बाल्टी भर देती है, और जब तक वो बच्चा नहीं हुआ तब तक उसमें हार्ड और चाम ही था, दूध नहीं था, चाहे ऑपरेशन करके देख ले। तो ऐसे ही जब तक आप जी में भक्तों में पुण्यात्माओं में ये परमात्मा कहा करते कबीर जी, ये शब्द रूप से आपके अंदर भक्ति बीज वचन से भक्ति बीज प्रवेश करूंगा और फिर आपके अंदर वो भक्ति रूपी गर्भ तैयार होगा और फिर दूध रूपी भगवान आप में इस हड्डचाम के शरीर में ही होगा, यानी इसी में आप में भक्ति प्रवेश होगी। भक्ति ऐसे होगी जैसे थन दूधि कूची हड्डचाम की देह में, जैसे अमृत दूध सर्वंत उस हार्ड मास चाम के दूध में शरीर में भैंस के में, कहते हैं वो अमृत के साथ दूध भी बन गया, वो किस क्रिया से बना। ऐसे ही जब शब्द रूपी वचन जो आपको दिया जाएगा, इसकी आप भक्ति करोगे, इसकी संभाल रखोगे, कहते हैं अपनी भक्ति को फिर ऐसे संभाल के रखना जैसे माता गर्भ को रख यतन बनाए और ठेस लगे तो छन हुए तेरी, ऐसे भक्ति नसाए। जैसे माता किसी बहन को माता को बहुत वर्षों बाद आस हुई हो बच्चे की, फिर वो कितनी चिंतित रहती है, रात्रि के समय भी एकदम उदड़ के पड़ती है कहीं करवट लेने से मेरे बच्चे पर दाब तो नहीं आ गई, कहीं मेरा गर्भ खराब ना हो जाए, वो स्वप्न में भी डरती है। तो ऐसे ही भक्ति प्राप्त होने पर नाम लेने के बाद आपने मर्यादा इतनी सावधानी से रखनी पड़ेगी कि कहीं आपकी भक्ति नष्ट ना हो जाए। तो परमात्मा कहते हैं गुत थंडूदी को चीर के पाड़ के जय कोई देखे दूध, गरीबदास उस हार्ड उस पिंड में हार्ड चाम और गूद। यदि वो बच्चा नहीं जन्मा हो तो उसने चीर का ऑपरेशन करके देख ले, उस भैंस में दूध नहीं पावे। ऐसे ही भक्तिहीन प्राणी जब वो जब तक है तब तक ये हार्ड चाम का पुतला ही शरीर है, और जब इसको परमात्मा की दया से उपदेश सच भक्ति पूर्ण संत से प्राप्त हो जाती है फिर इसी हार्ड चाम के पुतले में परमात्मा प्राप्त हो जाता है। अब क्या बताते हैं, स्वर्ग मृत्यु पाताल में हम बैठे कई बार, गरीबदास घर घर सजा और मार मार के मार। परमात्मा कहते हैं गोता मारो स्वर्ग में जा बैठू पाताल, और गरीबदास जी कह रहे हैं कबीर साहब केसो को बता रहे हैं, गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल, मैं अपनी प्यारी आत्माओं को खोज रहा हूं।
और परमात्मा क्या कह रहे हैं कि स्वर्ग मृत्यु पाताल में, ये मृत्यु लोक ऊपर स्वर्ग लोक नीचे पाताल लोक, इनमें कहते हम कई बार गए। और ये बोले आदमी मेरे पीछे पड़ देने को, मार मार इसका, मार नकम्मा है, ये मेरे बच्चे मेंटल बना दिए इन नकली काल के दूतों ने, संतों ने, मेहनतों, पंडितों और काजियों ने। हमरी जात अपूर्वी पूर्व रहन हमार, गरीब दास कैसे जुड़े ये पश्चिम के कातार। हम पूर्व ठेठ के उतरे ओगट घाट, गरीब दास जीव दक्षिण के यो नहीं मिलती साठ। हम पूर्व के पूर्वी उत्तर देश उतरंत, गरीब दास जीव दक्षिण के यो नहीं संग चलंत। अब क्या बताते हैं कि जैसे दक्षिण भारत के जो व्यक्ति हैं और उत्तर भारत वालों से उनकी ना तो कोई कल्चर मिलता, ना उनकी बोली मिलती, तो परमात्मा कहते हैं कि हम हैं पूर्व के पूर्वी, हम तो सतलोक के रहने वाले हैं और उत्तर देश उतरंत हम इस भारतवर्ष में आते हैं और गरीब दास जीव दक्षिण के यो नहीं संग चलंत। यानी ये मेरी भाषा न समझ, देखो ना जो मैं कहना चाहता हूँ ये समझ नहीं पा रहे, इसलिए मेरा पीछे पड़ रहे, मारो मारो, ये तो झूठ बोला है, झूठ बोला है। जिन हमारी सीख ली काटे काटे जम जंजीर, गरीब दास के सौ सुने हैं ऐसे कहे कबीर। के कबीर जी कहते हैं जिन्होंने मेरी शिक्षा ले ली उनके जम के जंजीर बंधन काट दिए, और गरीब दास के सौ सुने ऐसा कहे कबीर। फिर बाजी बिदना रची वैनी जीव अवंत, गरीब दास सतलोक में वो अमर पटा पावंत। कि जो मेरा सत भक्ति ले लेंगे, कबीर जी कह रहे हैं, वो फिर दोबारा लौटकर संसार में नहीं आएंगे, अमर लोक में अमर पटा यानी फोर एवर के लिए अधिकारी हो जाएंगे। अब जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के, गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 में गीता ज्ञानदाता कहता है मेरे और तेरे अर्जुन बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता भी नाशवान है, इसके भी जन्म मृत्यु होती है, तो इसके उपासक भी नाशवान ही, अमर पटा नहीं हो सकता उनका। फिर वो अपने मंत्र बताता है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि मेरा ओ मंत्र है। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में पूर्ण परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म के लिए बताया कि उसका 3 मंत्र का जाप है, ओम तत् सत। ये तत् और सत सांकेतिक हैं, वो और मंत्र है ये दास बताएगा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1-4 में कहा है कि जो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में जिस तत्वदर्शी संत के विषय में कहा है, वो तत्वदर्शी संत की पहचान ये है कि जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को विस्तार से बता देगा, उसका तना क्या है, डार कौन, भगवान है, टहनी कौन है, शाखा कौन है, पत्ते क्या, तो वो तत्वदर्शी संत है। उस तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद फिर लौट कर ये जीव संसार में नहीं आते, अर्थात वो पूर्ण रूप से अमर हो जाते हैं। वही परमात्मा कबीर जी अपने विषय में बता रहे हैं कि मैं वो भक्ति देता हूं, वो फिर दोबारा इस संसार में वो प्राणी नहीं आएंगे। जिन हमारी सीख ली काटू जम जंजीर, गरीब दास के सब सुने ऐसे कहें कबीर। फिर बाजी बिदना रची वह नहीं जीव अवंते, फिर नहीं आते वो, गरीब दास सतलोक में वो अमर पटा पावंते। अब परमात्मा क्या कहते हैं आखिर में, अनंत कोट बाजी जहां सतलोक में, और ये सौर्य ब्रह्मण्ड कहते हैं मैंने रचना की, कबीर जी कह रहे हैं अंत कोट बाजी जहां ये रचे सकल ब्रह्मंडे, कह कबीर मैं के करूं यो काल करे जीव खंडे। मैं इतना समर्थ हूं सौर्य ब्रह्मंड मैंने रचे हैं, और सब रचना मैंने की और सब सुख मैं दे सकता हूं इन बच्चों को,
पर मैं क्या करूं, ये काल मेरी प्यारी आत्माओं को खंड करवा देता है, नकली संत भेज के, दूत भेज के उनको बहका देता है, क्योंकि पहले अशिक्षित थे सभी, और परमात्मा लाखों को नाम दे कराते, उसमें से 20-30 हजार वो दूसरे दूत बका बकू का छोड़वा देते कि तो ऐसे बकता है, ये जादूगर है। तो परमात्मा कहते हैं, गरीबदास यानी कबीर साहब बोल रहे हैं, कह कबीर मैं के करूँ, यू काल करे जीव खंड, ये मेरे जीवों को मुझसे तोड़ लेता है, मेरे बच्चों को मेरे ऊपर टिके नहीं, विश्वास नहीं बनने देता। तो पुण्यात्माओं, अब ये समय चुना था प्रभु ने कि जब बिचली पीढ़ी आवेगी तब शिक्षा का प्रचार खूब होगा, और मेरे बच्चे मेरे सब सदग्रंथों में मेरी महिमा देख कर मुझे पहचान लेंगे और मेरा विश्वास करके अपना कल्याण करवा लेंगे। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं, समझा है तो सिर दर्पाओ भौर नहीं रे ऐसा दाओ। यदि आपके ये बात समझ में आ गई कि पूर्ण परमात्मा कबीर जी हैं, उनके पूर्ण संत से ही उपदेश लेकर आपका पूर्ण मोक्ष हो सकता है, अन्यथा नहीं, तो फिर बाट क्या ही देखे। समझा है तो सिर दर्पाओ, सिर पे पांव रखना, खूब स्पीड तो भागना, जैसे कोई आपत्ति में भागता है आदमी, पीछे बहुत भयंकर आपत्ति हो और सिर पे पांव रखना यानी बहुत तेज दौड़ना। कहते हैं इस भक्ति मार्ग में इतनी स्पीड पकड़ जा, सिर पे पांव धर ले और निकल जा गंदे लोक से, चलो सतलोक में। बोलो सतगुरु जी। परम पिता परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, कबीर देव, कबीर साहब, ये वही परमात्मा है जो बनारस के अंदर एक जुलाहे का रोल करने के लिए सतलोक से अवतरित हुए थे। कबीर परमात्मा ने किसी माँ से जन्म नहीं लिया। गरीबदास साहेब जी ने अपने परमेश्वर की यथार्थ जानकारी देते हुए कहा है कि ना सतगुरु जननी जने, उनके मां ने बाप और पिंड ब्रह्मंड से बाहर है, जहां ना तीन उताप। वो परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म है, पूरे असंख्य ब्रह्मंडों के कंट्रोलर यानी कुल के मालिक हैं, वासुदेव हैं। वासुदेव का अर्थ होता है जिस की सबके ऊपर प्रभुता हो, जिसका सब जगह निवास हो, जो सबके ऊपर वसता हो, वो परमात्मा अर्थात सबका कुल का मालिक, सबका कंट्रोलर, उसको वासुदेव कहते हैं। आज सुबह के सत्संग में आप जी ने सुना, परमात्मा हमें यह संदेश देने आए थे कि कैसे एक भक्त की रहनी और करनी और कैसे उसका विचार होना चाहिए और क्या डिमांड करे भगवान से। अब हम, क्योंकि जिसके संतान नहीं है वो यहाँ केवल संतान ही उद्देश्य लेकर आता है कि हे भगवान मेरा एक पुत्र हो जा। जो रोगी है वो यही उद्देश्य लेकर आता है, हे भगवान मुझे स्वास्थ्य प्राप्त हो, मैं स्वस्थ हो जाऊं। निर्धन है वो यही डिमांड करता है चरणों में आकर के परमेश्वर जी के कि हे भगवान मुझे धन मिले, ऐसे ऐसे मैं कुछ ऐसा करूं। परमात्मा कहते हैं कि जो तुमने डिमांड करनी चाहिए वो तुम्हें याद भी को ना। वो क्या मांगना चाहिए प्रभु से, कहते हैं मान लीजिए आप एक पुत्र मांग लोगे, पुत्र दे दिया आपको, परमात्मा सब कुछ कर सकता है, तो फिर क्या होगा। पुत्र आपको दे दिया, भक्ति आप में बनी नहीं, फिर आप उस पुत्र की परवरिश करके ब्याह शादी करके निश्चिंत हो जाओगे, सोचोगे हम निश्चिंत हो गए, नहीं, महादुर्गति को प्राप्त हो जाओगे, फिर लास्ट में परमात्मा से दूर हो जाओगे।
ये बट नेचुरल है, क्योंकि हम डिमांड ही ये लेकर आए थे। वो जैसे आपकी श्रद्धा देखकर प्रभु आपको ये खिलौना तो आराम से दे देगा, लेकिन आप भक्ति से दूर हो जाओगे। इसके लिए क्या बताया है कि राज्य क्रमता राम की रजा धरे दो शीश, दास गरीब दर्श प्रस्तिस भेटे जगदीश। कि परमेश्वर परमात्मा कबीर जी, अब आप उसके शरण में आ गए हो तो अब भगवान पर छोड़ दे परमात्मा, जो भी आपने अपने बच्चे के लिए अपनी बच्ची के लिए उचित समझा प्रभु वही करना, क्योंकि हमारे दीर्घ रोग लगा हुआ है जन्म और मृत्यु का, और ये हॉस्पिटल जो परमेश्वर कबीर जी का है ये दास यहां पर उन्होंने डॉक्टर बना दिया, नौकर उनका। तो यहां जो डॉक्टर कहे वैसे ही मरीज को चलना चाहिए, अपनी नहीं चलावे यदि रोग कटवाना है तो। फिर समर्पित कर दे, डॉक्टर जो भी करे वही वो आपके हित में ही करेगा, आप अपनी डिमांड ना रखो। तो परमात्मा कहते हैं राज्य क्रमता राम की रजा धरे दो शीश, यानी राज्य में उस मालिक की रजा में ही प्रसन्न रहे, जो वो करे वो सही करता है, कभी गलत नहीं कर सकता। इसलिए जो मालिक आप यहां डिमांड करते हो और वो उचित नहीं जानता आपके लिए और वो नहीं देगा, क्योंकि आप उसके ट्रीटमेंट के अंदर हो। जैसे कोई रोगी है शुगर का मरीज और वो मांगता है कि मुझे कुछ चीनी खाने दो, चीनी दे दो डॉक्टर जी, वो डॉक्टर नहीं जो उसको शुगर चीनी दे देगा, मांगता रहेगा। हाँ उसको मारना ही है तो ठीक है, ले भाई चीनी खा ले। हाँ डॉक्टर नहीं देगा, बाहर जाकर किसी से मांगोगे वो दे देगा आपको आदेश, भाई मांग रहा है दे दे, वो आपकी जान का शत्रु बन जाएगा। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, क्या मांगू कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई, एक लख पूत सवा लख नाती, उस रावण के दीवान बाती। अब क्या बताते हैं परमात्मा, याद दिलाते हैं कि कुछ विचार कर लेना कि क्या मांगो, कोई भी चीज स्थिर नहीं है, स्थाई नहीं। एक लख पूत सवा लख नाती, और उस रावण का आज कोई दीवा न बाती। 100,000 पुत्र थे रावण के, 125,000 उसके एक से एक यानी अच्छे नाती थे, रिश्तेदार रिलेटिव थे, और फिर उस रावण के आज कोई दीपक लगाने वाला भी शेष नहीं रहा। क्या मांगो कुछ थिर ना रहाई, देखत नैन चला जग जाई। आपके देखते देखते संसार जा रहा है। परमात्मा कहते हैं साथी हमारे चले गए, कबीर परमेश्वर जी हमें समझाने के लिए, आप ही एक दास, आप ही एक संत, आप ही एक भगवान और आप ही तत्वदर्शी संत बनकर लीला करके चले गए। वो हमारे लिए एग्जाम्पल देंगे कि बच्चों यदि तुमने सफल होना है, मेरे पद चिन्हों पर चलना, मेरे पंथी बन जाना, कबीर पंथी। कबीर पंथी का क्या अर्थ है, जैसे भी कबीर जी ने जो क्रियाएं की और जो भी आदेश हमें दिया, मर्यादाएं बताई, हम उसी पर चलें, उसको उससे दूर ना हो, यानी फिर हम उस मार्ग के राही हैं, हम उसी मार्ग के यात्री हैं और हम कबीर जी के बताए मार्ग पर नहीं चल रहे हैं, जा साधनाएं दूसरी कर रहे हैं और कह रहे हैं हम कबीर पंथी हैं, तो हम कबीर पंथी नहीं हैं। वो कहता रहे, जैसे हमने यहाँ से दिल्ली जाना है और दिल्ली का रास्ता बता रखा है कि यहाँ से ऐसे आप
हांसी जाइए, हांसी से फिर रोहतक, रोहतक से दिल्ली, ये स्टेशन हैं। तो हम सभी यदि ऐसे ही जा रहे हैं तो हम दिल्ली पंथी हैं, क्योंकि हम दिल्ली की यात्रा की तरफ यात्रा कर रहे हैं। और यदि हम सिरसा की साइड में या लुधियाना साइड में जा रहे हैं और फिर भी कह रहे हैं कि हम दिल्ली पंथी हैं, दिल्ली जा रहे हैं, हम कह अवश्य रहे हैं लेकिन हम दिल्ली वाले रास्ते से नहीं जा रहे हैं, हम विपरीत दिशा में जा रहे हैं। ठीक इसी प्रकार जो साधक कबीर पंथी कहलाते हैं और कबीर जी द्वारा बताए गए उन मंत्रों का जाप उनको प्राप्त नहीं है, वो ज्ञान उनके पास नहीं है, तो वो दिल्ली पंथी नहीं है, वो तो वापस जा रहे हैं अपने घर घर के विपरीत जा रहे हैं। ऐसे ही वो सतलोक जाने वाले नहीं हैं, कबीर जी के अनुयायी नहीं। अब उनको कबीर जी का अनुयायी बन जाना चाहिए। ठीक है, भूल में रिश्ता किसी ने गलत मार्गदर्शन कर दिया, दूसरी दिशा में जा रहे हैं और वहां आपको पता लग जाता है कि हम तो गलत चल पड़े, तो वहीं से मुड़ जाना चाहिए। समझदार ने समझदारी सी में है और फिर हम वापस फिर चलेंगे तो हम फिर कबीर पंथी ही होंगे। वहां से चल पड़ेंगे तो भी हम वापस आ रहे हैं, तो अपने घर को चल दिए, फिर हम किसी ना किसी दिन पहुंच ही जाएंगे। पुण्यात्मा परमात्मा हमें बताया करते थे, याद दिलाते हैं कि तुम यहां किस किस वस्तु को अपना मानकर और जीवन जी रहे हो। काया तेरी है नहीं ये माया कहां से हो, चरण कमल में ध्यान रखो इन दोनों को खो। साथी हमारे चले गए और हम भी चलन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही ताते लगी है वार। बेटा जाया खुशी हुई भाई खूब बजाए थाले, ये तो आना जाना लग्या हुआ है जो कीड़ी का नाले। परमात्मा बताना चाहते हैं कि जैसे राजा लोगों के यहाँ पुत्र प्राप्ति होती थी तो बैंड बाजे बजाया करते, पूरे नगर में धूम मचा दिया करते थे, और गरीब आदमी के यहाँ संतान यानी पुत्र होता था तो वो थाली बजाते हैं, थाली पीटते हैं। तो इसे आसपास पड़ोस में ये हो जाता है कि उनके बालक होने वाला था पुत्र वधू का और लड़का हुआ है क्योंकि थाली बज रही है। उस पुत्र के जन्म की खुशी में उस परिवार ने बहुत बड़ी पार्टी की, लाखों रुपये लगा दिए, पुत्र हो गया, खुशी मनाई, क्योंकि लौता पुत्र कई वर्षों में हुआ। अगले वर्ष वह पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गया, अब टक्कर मार रहे हैं। अब परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। पतझड़ आवत देख कर बन रोवे मन माही, ये ऊंची टहनी पात थे अब पीले हो जाही। जैसे अब बसंत ऋतु आ गई है पतझड़, अब जो एक वर्ष तक जो पत्ते पीपल के पेड़ पर थे वो अभी तक फड़फड़ा फड़फड़ा कर हवा के झोंकों से मस्ती मार रहे थे और अब वो टूट टूट के पीले होकर टूट के जमीन पर गिर रहे हैं, और कोई गंदे नाले में जाके गल रहा है, कोई पशुओं के पैरों के नीचे कट रहा है। अब परमात्मा परमेश्वर कबीर जी एक उदाहरण दे रहे हमारे को कि जैसे हम बूढ़े हो गए, सफेद बाल आ गए, दांत जड़, काम छोड़ गए, आंख भी लग गई धोखा देने, अब हमारे को संकेत हो गया, बिगुल बज गया कि तैयार हो ले भी यहां से चलन का। अब बूढ़ों की टिकट कट जाएगी, छोटे छोटे पोते बेटे पोते हो जाएंगे और 10 20 50 वर्ष में उनकी फिर यही गति हो जाएगी। तो क्या बताते हैं परमात्मा, तुम कित फंस गए आके। कबीर जी कह रहे हैं सतलोक में कभी मृत्यु नहीं, कभी बुढ़ापा नहीं, आप वहां चलो बच्चों,
और बहुत आसान तरीका है, बहुत ही आसान विधि भक्ति है। जैसे परमात्मा ने बताया कि मैं एक दुल्हे का काम करता हूँ, कपड़ा बुनता हूँ, और मेरे से गरीब कोई नहीं, और मैं भी परमात्मा पाऊंगा। तो आप ये ना सोचो कि धन गणा है जिसके पास, या उच्च जाति वाले ही परमात्मा पाएंगे, नहीं। ये जाति मजहब था, हमने अपने आप बाड़ बना रखी है, अलग अलग दीवार खींच दी। परमात्मा इन सब को मिटा देता है, उसके लिए तो उसकी आत्मा सोना है, लाल है, उसी का वो ग्राहक है। हमें क्या बताना चाहते हैं परमात्मा, के जैसे एक परिवार का कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, आजकल जिसको कैंसर हो जाती है, परमानेंट हो गया, वो तो गया काम, उसको भी पता लग जाता है कि तेरा तो काम बन गया। फिर वो सोचता है अकेला बैठ के, हे भगवान, इब के बनेगी मेरी, कहां जाऊंगा मैं। तो परिवार के सदस्य या मित्र प्यारे आकर उसको कहते हैं, सांत्वना भी देते हैं कि भाई एक दिन सब नहीं जाना है, ये तो सभी ने मृत्यु को प्राप्त होना, लेकिन ये तो एक औपचारिकता होती है, लेकिन जाने वाले के साथ के भी इतनी होगी, वो ही जाने। तो परमात्मा हमें क्या बताते हैं, जैसे एक परिवार का सदस्य मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, तो उसके मन में भी यही बातें आती है, भगवान ना पता है कहां बनूं, क्या, कहां जाऊंगा, किस योनि में जन्म पाऊंगा। तो परमात्मा कहते हैं उदाहरण देकर के पतझड़ आवत देख कर बन रोवे मन माही, ये ऊंची टहनी पात थे इब पीले हो जाई, यानी गिर रहे हैं पीले हो कर। पतझड़ तारू कहे सुन भई तरवर राय, अब के बिछड़े नहीं मिले न जाने कहां गिरेंगे जाए। एक मान लीजिए पत्ता वृक्ष से गिरता हुआ कह रहा है तरवर को, वृक्ष को, कि हे तरवर राज, अब ना जाने हमारा कहां ठिकाना होगा, कहां पड़ेंगे जाके, कोई कुछ पता नहीं। अब वो तरवर सांत्वना देता है, तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात, यहां की यह रीति है एक आवे एक जात। इस काल के लोक में तो भाई एक यह रीति है, यही रिवाज है, परंपरा है। बूढ़े मरगे बालक आगे, छोटे छोटे जैसे पतझड़ में पत्ते जड़ गए, तुरंत ही कोपल फूट आएंगी और 20 महीना 20 दिन में पत्ते बनकर फिर फर शुरू हो जाएंगे, एक साल के बाद फिर वो भी ऐसे ही चले जाएंगे। तो परमात्मा हमें याद दिलाना चाहते हैं कि तुम जन्म मृत्यु के रोग में फंसे हुए हो, और यहाँ की यही परंपरा है, इस काल के लोक में जहां तुम विराजमान हो, यहां खुद यहां का मालिक कहता है गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता जो श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा था, वो ब्रह्म ज्योति निरंजन अर्थात काल बोल रहा था, जो गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में स्वयं कहता है, अर्जुन मैं काल हूं और सबको खाने के लिए अब परवर्त हुआ हूं, अब मैं आया हूं, और ऐसी भयंकर आकृति दिखाई, ऐसा विकराल रूप। तो श्री कृष्ण जी काल नहीं थे, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके प्रेतवत वो काल ज्योति निरंजन 21 ब्रह्मांड का स्वामी बोल रहा था। इसे सिद्ध है कि ये भी नाशवान है। और गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में कहा कि अर्जुन तू ये ना समझे कि ये सैनिक और ये राजा लोग तू और मैं पहले ना थे या आगे ना होंगे, ये मत सोच कि अब ही अब हम जन्मे हैं, आगे भी जन्म होगा अपना और पहले भी थे। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक 10 के श्लोक नंबर 2 में
कहा कि अर्जुन मेरी उत्पत्ति को ये देवता नहीं जानते, क्योंकि ना ये ऋषि जानते, क्योंकि इन सब का उत्पत्ति करता मैं हूं, यानी ये मेरे से जन्मे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश के का पिता है ये ज्योति निरंजन, और दुर्गा इनकी माता है। इसको दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। प्रकृति और इसका सदाशिव काल से इन रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की उत्पत्ति हुई है, तो ये काल के पुत्र हैं। इसलिए इन ब्रह्मा विष्णु महेश से फिर आगे सब जनता उत्पन्न हुई है। ये कहता है काल के मेरे से उत्पन्न है ये सभी ऋषि और ये देवता, इसलिए ये मेरी उत्पत्ति से परिचित नहीं है, मेरे जन्म से। जैसे पिता की उत्पत्ति को संतान नहीं जान सकती, दादाजी बता सकता है, ऐसे ही पूर्ण परमेश्वर कबीर जी यहां आए, उन्होंने इस काल की का भी जन्म बताया कैसे हुआ, प्रकृति दुर्गा का भी जन्म बताया कैसे हुआ, और आगे ये ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति कैसे हुई, ये भी उसी परमेश्वर ने आके हमें बताई। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि अर्जुन अविनाशी तो उस परमात्मा को जान जिसको मारने में कोई भी समर्थ नहीं है, और जो सभी ब्रह्मांडों का रचयिता है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1-4 और 15, 16 और 17 में, तथा गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62-62 में, अन्य पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म ही की साधना के लिए संकेत किया है, निर्देश दिया है, वो परमात्मा पूर्ण है। तो यहां सभी जन्म मृत्यु के अंदर है। कबीर परमेश्वर जी ने क्या बताया, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जान्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जान्या, जग भाई जन्म मरण का रोग लग्या है या तृष्णा बडरी खांसी, जन्म मरण का रोग लग्या है या तृष्णा बडरी खांसी, आवागवन की डोर गले में पड़ी काल की फांसी, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जान्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे। भाई सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपति आसी, सच्चा सतगुरु कोई न पूजे इन झूठों जगपति आसी, अंधे की बा गई अंधे ने ये मार्ग कौन बतासी, जग सारा रोगियो रे जिन सतगुरु वैद न जान्या, जग सारा रोगिया रे। भाई देखा देखी गुरु शिष्य बन गए, किया न तत्व विचारा, देखा देखी गुरु शिष्य बन गए, किया न तत्व विचारा, गुरु शिष्य दोनों आके सर पे युकाल ठोके पंजारा, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जान्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जान्या, जग सारा रोगिया रे। भाई सार शब्द सर जीवन बूटी घिस घिस अंग लगावे, सार शब्द सर जीवन बूटी घिस घिस अंग लगावे, कहे कबीर तुम सतकर मानो ये जन्म मरण मिट जावे, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जान्या, जग सारा रोगिया रे, जग
सारा रोगी और जिन सतगुरु वैद न जाना जग। भाई सार शब्द सर जीवन बुटी गैस गैस अंग लगावे, सार शब्द सर जीवन बुटी गैस गैस अंग लगावे। कह कबीर तुम सतकर मानो या जन्म मरण मिट जावे जग। सारा रोग यारे जिन सतगुरु वैद न जाना जग, सारा रोग यारे। पुण्यात्माओं, परमात्मा यही बता रहे हैं कि झूठे सुख को सुख कह तू मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। अब परमात्मा हमें क्या संकेत करते हैं, क्या बताना चाहते हैं परमात्मा परमेश्वर कबीर जी? के जन्म मृत्यु का रोग लग्या है, जन्म मरण का रोग लग्या या तृष्णा बढ़री खांसी, ये जन्म मरण का रोग किस किस को है? आपका और हमारा, इस दास का विशेषकर, हिंदू धर्म जन्म होने के नाते जैसा भी इन अज्ञानी हमारे हिंदू धर्म के गुरुओं ने हमें ज्ञान बताया था, दंत कथा लोक वेद सुनाया था, उसके आधार से हम ब्रह्मा विष्णु महेश जी से ऊपर कोई पावर नहीं मानते थे, कोई शक्ति नहीं मानते थे, कोई भगवान नहीं मानते थे, ज्ञान नहीं था हमारे को। और इन्हीं को अजरो अमर सर्वेश्वर महेश्वर, सब ब्रह्मांडों के रचनेहारे, यही सतीति, यही उत्पत्ति सतीति और संहार करने वाले, ये कुल के मालिक है। अपुण्यात्मा, जैसा भी हमें ज्ञान दिया, बच्चे को टीचर दो दूना छह पढ़ा रहा है और जितने भी टीचर आए सभी दो दूना छह ही पढ़ा रहे, तो स्टूडेंट्स का दोष नहीं है, विद्यार्थियों का दोष नहीं है, उनने तो जैसा टीचरों ने बताया वो गोट लिया। अब दो दूना छह कहने वाला तो पास हो नहीं सकता, फेल होगा, अनुतीर्ण होगा। तो ये गलती उन अज्ञानी टीचरों की थी जिन्होंने उस बच्चे को ठीक से नहीं पढ़ाया। तो हमारे को जो ज्ञान दिया गया वो शास्त्र के विरुद्ध दिया, जो टीचर सिलेबस से विरुद्ध विपरीत ज्ञान बताता है वो शत्रु है विद्यार्थियों का, क्योंकि एग्जाम के अंदर, परीक्षा के अंदर सिलेबस के माध्यम से यानी पाठ्यक्रम से ही प्रश्न आते हैं। अब सबसे पहले ये स्थिति स्पष्ट करते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश अविनाशी नहीं है। अपुण्यात्मा, ये शब्द यदि ये दास बगैर किसी लालटेन दिखाए, बगैर सदग्रंथों के प्रमाण दिए ये बात कह दे तो कोई नहीं सुना हिंदू समाज में, और शत्रु बन जा इस दास के, क्योंकि परमात्मा के साथ यही बना था कि सच्चा सतगुरु कोई ना पूजे। तभी तो प्रभु ने अनुभव बताया कि ये किसी आदमी, भाई मैं न साची बताऊं, ये मेरा पीछे पड़ गया, मारो मारो, इतना कम्मा है, झूठ बोला झूठा है। तो परमात्मा कहते निरंजन धन तेरा दरबार, जहां तनिक निन्याय विचार। कह कबीर सुनो भी साधो, यहां सब उल्टा व्यवहार और सच्चे ने तो ये झूठा बतावे, ने झूठा गाय तुम्हार निरंजन धन तेरा दरबार, ज्योति निरंजन धन है तेरी, यहां फैलाया गया ये जाल तेरे 21 ब्रह्मांड में, यानी तेरे दरबार में कोई भी न्याय की बात कहने वाला नहीं। तो परमात्मा बताया करते थे, आज से 600 वर्ष पहले प्रभु ने क्या कहा था, धर्म दास ये जग बोरा ना कोई न जाने पद निर्वाण। क्या बताते थे परमात्मा के धर्म दास जी, जो परमात्मा की प्यारी आत्मा थी, जिनको परमेश्वर कबीर जी मिले थे मथुरा में, फिर उनको ज्ञान समझाकर अपनी शरण में लिया था, उनको बताते थे कि धर्मदास
क्योंकि धर्मदास जी पवित्र हिंदू धर्म में जन्मे थे, उनके पूज्य गुरुदेव जी रूपदास जी थे जो विष्णु उपासक थे। राम और कृष्ण, शंकर भगवान और विष्णु जी की उपासना वो बताया करते थे। और गर्भा विष्णु महेश को सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय कालज्ञ बताया करते थे। और उसी पढ़ाई को धर्मदास जी पढ़े हुए थे, तब परमात्मा की और उस प्यारी आत्मा की वार्ता हुई थी। तब परमेश्वर ने बताया था कि धर्मदास, इस पूरे ब्रह्मांडों में कोई भी तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है, ना ब्रह्मा जी ना विष्णु जी ना शिव जी, इनको वेदों का भी ज्ञान नहीं है, चारों वेदों का भी ज्ञान नहीं, ना इन कलियुग के ऋषि और महर्षियों को, सतयुग के महर्षि ऋषियों को भी नहीं था। अब इस बात को सुनकर धर्मदास फड़क गया, नो बोला, ये भगवान ऐसा कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश को भी ज्ञान नहीं। परमात्मा ने कहा कि आप इन पुराणों को सत्य मानते हो, हाँ जी, तो देवी पुराण में पढ़िए। पुण्यात्माओं, ये जो पुराना रंग हमारे ऊपर इतना हैवी हो गया कि जब तक रह रहकर प्रमाण आपके सामने पेश ना होंगे, ये मनमान्य को नहीं, और हमने इसको बना के छोड़ना, हमने इस दास की ड्यूटी ला दी कि इस मन को सीधा करके और प्यारी आत्मा को एक ही मार्ग पर लगा देना, सर्व ब्रह्मांडों की यानी पूरे विश्व की, क्योंकि ज्ञान ऐसा है कि ये बड़ छोड़े को नहीं, इसमें कोई बंक रहेगा ही नहीं, और बंक नहीं रहेगा तो माल बढ़िया बिकेगा। यानी जैसे एक कुम्हार घड़ा बनाता है, वो कच्चा घड़ा मिट्टी का गारा से बना रहा होता है, और नीचे एक थप्पड़ सा देकर नीचे हाथ पर कपड़ा बांध के ऊपर और उसके नीचे देता अंदर, और ऊपर एक ऐसे पट पट मारता है, और उसके सारे जो बंग है उसमें बल है, वो खोट है, उसको निकाल रहा है। यदि वो उस खोट को ना निकाला रखी तो जरा सा भी बंग रह गया, उसमें निशान रह गया बंग टेढ़ा, एक अन्न का नहीं बिका, वो कितना भैंसा के मुंह तोड़न का काम आओगा, ऊँ गिरना पड़े ठाक है। तो परमात्मा कहते हैं गुरु कुम्हार शेष कुंभ है, शेष आप तो हो वो कच्चे घड़े, और दास कुमार है, और कहते अंदर हाथ सहारा दे के ऊपर मारे चोट, अरे सारे खोट निकल गए तो उसकी कीमत है मटके की घड़े की, ना तो एक अन्न का नहीं। तो इसलिए परमात्मा अपने ज्ञान को, अपनी प्यारी आत्माओं को बिल्कुल ऐसा ज्ञान दे दिया कि इसमें कोई खोटे ना रहे, और ये शब्द की चोट, ये सत्संग की चोट आपके ऊपर लाके आपके अंदर का सारा बल निकाल देंगे वो बंक। देखिएगा श्रीमद देवी भागवत अर्थात दुर्गा पुराण, देवी पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, ना संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार चमनलाल गोस्वामी। और ये कहाँ से प्रकाशित है, प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इस पुस्तक के, इस पवित्र पुराण के 28 पृष्ठ पे, 28 पृष्ठ पे आपको दिखाते हैं कि ब्रह्मा विष्णु और नारद और व्यास दो राइटर ऑफ द पुराण वेद एंड श्रीमद् भगवत गीता, इनको कितना ज्ञान था, व्यास जी को कितना ज्ञान था। अब देखिएगा, ये है पहला स्कंद, संक्षिप्त देवी भागवत, पृष्ठ 28 28 पे। यहां पर नारद जी ने कहा, ये व्यास जी और नारद जी की वार्ता हो रही है। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो, यही प्रश्न मेरे पिताजी भगवान श्री हरि से, मेरे पिताजी ने यानी ब्रह्मा जी ने भगवान श्री हरि यानी विष्णु जी से किया था।
देवा अधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं, लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं, दिव्य कौस्तुमणि उनकी शोभा बढ़ाती है, वे संघ चक्र गदा लिए रहते हैं, पीताम्बर धारण करते हैं, चार भुजाएं हैं, वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह चमकता रहता है, वे चराचर जगत के स्वामी हैं, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी हुई थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी, भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं, भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की यानी किस भगवान की आराधना में ध्यान मगन हैं? मुझे असीम आश्चर्य तो ये हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि बोले। श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता दानव और मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ और शंकर संहार क्या करते हैं, किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ है, मुझ में सात्विक शक्ति मिली है और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ। उस शक्ति के अभाव से तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता और रुद्र से संहार कार्य होना भी संभव नहीं। ब्रह्मा जी, हम सभी उस शक्ति के सहारे ही अपने कार्यों में सदा सफल होते आए हैं। सुवर्त, प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों ही उदाहरण में तुम्हारे सामने रखता हूँ। सुनो, यह निश्चित बात है कि उस शक्ति यानी दुर्गा के अधीन होकर ही मैं इस शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही मैं जाग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ, उससे शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं हो रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानवों के साथ युद्ध करता हूँ, अखिल जगत को भय पहुँचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। और यहाँ कमाल कर दिया, मुझे सब प्रकार से शक्ति, विष्णु जी कह रहे हैं, मुझे सब प्रकार से शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है, इस दुर्गा के, और उन्हीं भगवती शक्ति का यानी दुर्गा का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं। अब पुण्यात्मा विचार करो, ये तो ज्ञान है ब्रह्मा जी, विष्णु जी और नारद जी और व्यास जी जो लेखक है इन सब सदग्रंथों का। अपने आत्मा, आपको ये भी शंका होगी कि अब व्यास जी ने ये लिख कैसे दिया जब इसको ज्ञान नहीं। जैसे श्री कृष्ण में प्रवेश करके काल ने गीता जी का ज्ञान बोला, ऐसे ही व्यास जी में प्रकट होकर चारों वेद लिख दिए, 18 पुराण लिख दी और श्रीमद् भगवत गीता बोली कही गई थी, बाद में वाद्यों की तो लिखवा दी और बाद में व्यास जी खुद नारद से पूछा है, बताओ लेखक। तो कहने का भाव ये है, ये खेल जो है परमात्मा कबीर जी ने आकर इसका बांडा फोड़ा काल का, ना इसने तो जुलम कर रखा था, किसी को कुछ भी नहीं बता रखा था, कैख भी नहीं बता रखा। अब यहां विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं दुर्गा से ऊपर कोई भगवान नहीं मानता, कोई देवता नहीं मानता, और दुर्गा क्या कह रही है उसके बोल सुन लो। 562 पृष्ठ पर दुर्गा हिमालय को ज्ञान दे रही है, राजा हिमालय, जो हिमालय की तलहटी का राजा था, 7वां स्कंद, वही देवी प्राण, 7वां स्कंद श्री संक्षिप्त देवी भागवत, 562 पृष्ठ, और यहाँ से देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश ब्रह्म स्वरूप का वर्णन।
श्री देवी जी कहने लगी, हम यहां से पढ़ेंगे, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित, हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहातर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात जिस किसी की बुद्धि माने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही यह अक्षर ब्रह्म है, वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है, वही सबके मन है, और यह सब परम सत्य और अमृत तत्व है, अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य, उस वेदने योग लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य, उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो, और फिर भावना भावन भावानुगत चित से के द्वारा उस पर बाण उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेदन करो। परवण, ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। सिद्ध स्पष्ट कर दिया, ब्रह्म तो पूज्य है दुर्गा अनुसार, दुर्गा जी के वचन अनुसार, और ओम उसका मंत्र है, जीवात्मा उसका जाप करे। उस एकमात्र परमात्मा ही को जानो, यानी ब्रह्म को, दूसरी बातें छोड़ दें, सब बातों को छोड़ दे, यानी किसी की पूजा नहीं करे, मेरी भी नहीं करे और देवताओं की भी नहीं करे, ब्रह्मा विष्णु महेश की भी नहीं करे, संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करने का यही सुलभ साधन है। जिस प्रकार इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो, इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। और वो कहां रहता है, स्थान भी बता दिया उसका, वह यह सबका आत्मा ब्रह्म, ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है, वहां एक देशी है। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222888 0541।